नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। फुलेरा में बारिश से दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। दीवार में दबने से दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। महिलाएं अपने बाड़े में दीवार के पास रोजमर्रा के कार्य कर रही थी, तभी अचानक दीवार गिर गई। दीवार गिरने से दो महिला सहित दो भैंस की मौत हुई है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सुबह 8:30 बजे तक नहीं मिलने पर निजी अस्पताल गए, मगर जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। फुलेरा SHO रघुवीर सिंह राठौर, विधायक निर्मल कुमावत, तहसीलदार हरि सिंह राव भी मौके पर पहुंचे। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी अस्पताल में पहुंचकर मामले की जानकारी लेने एवं सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स के ऊपर रोष प्रकट करते हुए विधायक निर्मल कुमावत को एवं तहसीलदार हरि सिंह राव को शिकायत की। देखिए, आज फुलेरा में बड़ा दुखद हादसा हुआ है। दो महिलाएं उसमें काल का ग्रास में आज चली गई। बात वो नहीं है, बात है कि फुलेरा में इतना बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे सब आस पड़ोसियों ने मिलकर पेशेंट्स को समय रहते यहाँ चिकित्सा के लिए लाए। दुर्भाग्य से हॉस्पिटल की लाइट्स भी आम जनता ने चालू करी सुबह मॉर्निंग में और डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध नहीं हुए, फिर प्राइवेट में ले गए। जब तक बहुत देर हो चुकी थी और जब मैं खुद भी आ गया और भी हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग आ गए, अधिकारी आ गए। 8 बजे का OPD का समय है, 8:30 तक अगर 7 में से 5 डॉक्टर एबसेंट हो तो मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही निंदनीय काम है। इसकी गंभीरता से मिल की दीवार गिरने से कुमाऊं समाज की दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह जब परिजनों व आस पड़ोसियों ने दोनों महिलाओं के शव यहाँ हॉस्पिटल में लाए तो यहाँ कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं था। निजी अस्पताल में जाने के बाद चिकित्सकों ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दाल मिल के मैनेजर ने बच्चों के नाम FD और मुआवजे की घोषणा करी थी। उसके बाद ही परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन अब प्राप्त जानकारी के अनुसार सामने आया है कि उक्त व्यापारी ने मुआवजा देने के लिए सख्त मना कर